खबर हरिद्वार के लक्सर से है। हरिद्वार उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। उपजिलाधिकारी लक्सर को प्रातः 9 बजे पुलिस चौकी प्रभारी बालावाली थाना खानपुर तहसील लक्सर द्वारा सूचना दी गई थी कि बालावाली क्षेत्र में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण गंगा नदी को दो धाराओं के बीच में प्लेज की खेती कर रहे कुछ लोग तथा उनके जानवर फंस गए हैं तथा गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण उन्हें रेस्क्यू कर निकाला जाना अत्यंत आवश्यक है। सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आपदा कंट्रोल रूम हरिद्वार, पुलिस कंट्रोल रूम हरिद्वार तथा पुलिस कंट्रोल रूम रुड़की को सूचना दी गई तथा जल पुलिस तथा SDRF की टीम को मैं फोर्स तथा नाव व राफ्ट के साथ भेजे। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड रुड़की गंगनहर उत्तर प्रदेश को भी नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना देते हुए गंगा नदी के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन आदि भी मौके पर पहुंचे। त्वरित कार्रवाई करते हुए SDRF तथा जल पुलिस के सहयोग से लगभग 75 से अधिक लोगों को तथा उनके छोटे जानवरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। उल्लेखनीय है कि सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा जहां पर ये फंसे हुए थे उनका अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए SDM बिजनौर तथा SDM नजीबाबाद को मौके से ही सूचना दी गई कि अपनी टीम को सक्रिय कर दे। मौके पर शैलेंद्र सिंह नेगी उप जिलाधिकारी लक्सर के साथ विवेक कुमार क्षेत्राधिकारी लक्सर, प्रदीप चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर, आशीष नेगी प्रभारी थाना अध्यक्ष खानपुर, आशीष शर्मा चौकी प्रभारी गोवर्धनपुर, श्री उपेंद्र सिंह भिष्ट चौकी प्रभारी बालावाली, सिताब सिंह राजस्व निरीक्षक खानपुर, फैजान खान, सचिन कुमार, अंशु कुमार, पंकज कुमार राजस्व उप निरीक्षक आदि उपस्थित रहे।